So the question is, according to Plato, justice is A, distribution of goods and services, B, burdens and benefits, C, punishment and retribution, or D, one man, one work, one class, one duty. अब देखिए, सोचने वाली बात ये है कि इस क्वेश्चन को क्या आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं? नहीं, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट प्योरली नॉलेज बेस्ड है, क्योंकि ये चारों ऑप्शंस कोई ना कोई नोशन ऑफ जस्टिस बता रहे हैं. अब आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली प्लेटोज नोशन ऑफ जस्टिस पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन. लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. द करेक्ट ऑप्शन इज डी, वन मैन वन वर्क वन क्लास एंड वन ड्यूटी. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए लेट्स सी व्हाट इज प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस. बिफोर वी स्टार्ट द थ्योरी ऑफ जस्टिस, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ कि प्लेटो ने थ्योरी ऑफ सोल दी है, जिसके बेसिस पे उन्होंने एक सोसाइटी को तीन मेजर क्लासेस में क्लासिफाई किया है. द रूलर्स और द रूलिंग क्लास, द मिलिट्री पीपल और द गार्डियन और द सोल्जर्स क्लास, द प्रोड्यूसर्स, यानी कि इसमें आते हैं आपके मर्चेंट्स और आर्टिजन्स. तो रूलर्स में जो हमारे किंग हैं, मोनार्क हैं, वो आते हैं. मिलिट्री क्लास में हमारे सोल्जर्स आते हैं. आर्टिजन्स में हमारे ट्रेडर्स, फार्मर्स और बाकी की एक्टिविटी करने वाले लोग आते हैं. अब इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में प्लेटो ने बताया है एक जस्ट सोसाइटी कैसे एस्टैब्लिश हो सकती है. इनको लाना है रामराज, जैसे कि हम अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू प्लेटो, इन अ जस्ट सोसाइटी द रूलर्स, द मिलिट्री, द आर्टिजन्स ऑल डू व्हाट दे ऑट टू डू, यानी कि वही वही काम करना चाहिए इन सभी क्लासेस को जो उनका ड्यूटी है, जो उनका फंक्शन है, व्हाट दे ऑट टू डू. अगर सभी क्लासेस अपना अपना रोल और अपना फंक्शन भी निभाएंगी तो एक जस्ट सोसाइटी एस्टैब्लिश हो जाएगी. नाउ इन अ जस्ट सोसाइटी द रूलर्स आर वाइज, द सोल्जर्स आर ब्रेव एंड द प्रोड्यूसर्स एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल और टेम्परेंस. अब अगर रूलर वाइज नहीं होगा तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब हो जाएगा, सोसाइटी कैसे चलेगी. अब अगर सोल्जर्स ब्रेव और स्ट्रांग नहीं होंगे तो सोसाइटी को डिफेंड कैसे करेंगे. प्रोड्यूसर्स अगर सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन और ट्रेड ये सब कुछ भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा. यानी कि एक जस्ट सोसाइटी के लिए ये सारी क्लासेस अपना फंक्शन प्रॉपरली फॉलो करें, ये बहुत ज़रूरी है. इससे हमें पता चलता है कि जस्टिस इज अबाउट राइटियसनेस, यानी कि आपकी मॉरल ड्यूटी, आपका क्या धर्म है एज अ रूलर, एज अ सोल्जर या एज अ प्रोड्यूसर. इट इज़ मोर अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज रादर देन एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स. इट इज़ इंडिविजुअल्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी इन अकॉर्डेंस विद हिज एबिलिटीज, कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज. नाउ प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस स्टेम्स फ्रॉम द डिस्कशंस विच वेंट ऑन अमंग द कैरेक्टर्स सच एज सिफिलिस, पॉलीमार्कस, थ्रेसीमैकस, ग्लॉकन, एडिमेंटस एंड सॉक्रेट्स. अब ये लास्ट पॉइंट मैंने आप इसलिए ऐड किया है क्योंकि यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस का जहाँ डिस्कशन होता है प्लेटो के रिपब्लिक में, वहाँ कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं. इसलिए आपको ये नाम भले ही याद हो या ना हो, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ देम, कि आपको ऑप्शन देख के याद आ जाए कि हाँ ये नाम कहीं देखा था, तो ही माइट, दिस पर्सन माइट बी वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ थ्योरीज प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस. आई होप आपको आपका डाउट क्लियर हो गया हो. थैंक यू.